हेलो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ बताइए भाई। आप फोन करके भाजी लिए? अरे अम्मी का फोन आ गया था भाई। हाँ तो बोलिए, क्या बोल रहे थे आगे? जब अम्मी मसला की क्या है? मतलब वेटिंग आने लगती है ना तो भैया फौरन उठा लेते हैं, वरना घर जाएंगे तो मतलब डांट पड़ेगी कि इतने मतलब बिजी रहते हो कि माँ का फोन नहीं उठाते हो। तो इसलिए तुरंत भैया मैंने कहा पहले अपनी अम्मी से बात करें। और बताएं। हाँ तो आप क्या बता रहे थे, मसला जो है वो? देखिए फिका हन्फी के जो मसले हैं ना वो आगे के बारे में सोच सोच के अपनी अकल से कयास कर करके मतलब भाई लोगों ने उतार दिए हैं। अगर ऐसा हो जाए तो, मगर वैसा हो जाए तो, अगर कोई शख्स ऐसा कर ले तो, अगर कोई औरत ऐसा कर ले तो अगर मगर करके जो उल जुलूल बातें थी सब मेरे भैया उसमें छाप दी गई हैं। हम ये कहते हैं पहले सुन्नत का मौका क्या है कि जब मसला पेश आएगा तब उसके ऊपर फतवा दिया जाएगा। मसला पेश हुआ नहीं है, हम आने वाले मसले को पहले से 100 साल पहले कयास करके बता दें तो ये चीजें मेरे भाई गलत है ना। अगर मसला आ जाए और अचानक में आपको ढूंढना हो तो जो है तो क्या करेंगे आप? मसला तुरंत आएगा और तुम्हें तुरंत आपको डिसीजन लेना हो तो तुरंत मुफ्ती कराम बताते हैं भाई। मुफ्ती इसीलिए अपॉइंट होते हैं कि कोई भी मसला पेश आता है उम्मत में तो वो फौरन भाई किताबो सुन्नत की रोशनी में उसके ऊपर फतवा जारी करेंगे ना। मुफ्ती भी तो कयास करेंगे ना, उनको अगर किताबो सुन्नत में नहीं मिलता। हाँ तो कयास करेंगे, मसला आने के बाद कयास करेंगे ना, पहले से फिर ना करेंगे। हाँ तो कयास वो आपने भी किया, कयास जो है फिकह हनफी के जो है आलिमों ने भी किया। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ठीक क्या है आपकी दुरुस्तार में आता है कि अगर किसी शख्स का आला तनसुल इतना लंबा हो कि वो अपनी दुबूर में दाखिल कर ले तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं, तो पहली चीज तो ये बताए कोई हमको हनफी कि ऐसा दुनिया में कौन सा हनफी मुकल्लिद है जिसका आला तनसुल इतना लंबा है कि वो अपना ही आला तनसुल अपनी दुबूर के अंदर दाखिल कर लेता है? किसका इतना लंबा है? जब लंबा है, जब ऐसा कोई आदमी सामने पेश आएगा, जब वो ऐसा मतलब धंधा करेगा तब फतवा दिया जाएगा ना। नहीं नहीं, अगर उन्होंने फतवा दिया ऐसा कभी होगा तो फतवा हमारे काम आएगा ना। अरे भाई अल्लाह के बंदे, ऐसे कभी होगा ये क्या उनके पास इल्मे गैब आ गया है या वो अल्लाह के नबी की तरह पेशन भी कर गए हैं कि मेरी उम्मत करके होंगे तो होंगे? जना जब उन्होंने कयास करके बहुत सारे मसलों का हाल बता दिया है तो वो तो अच्छा काम किया ना उन्होंने, गलत काम किया? अरे लेकिन मेरे भाई ये सब मसले पहले से कयास करके उतारने की क्या जरूरत थी? इसकी जगह कोई मेरे भाई किताबो सुन्नत की तौहीद की बात को भाई वो उतार देते ना। अरे मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आने वाले 100 साल तक आप देख लीजिएगा कोई हनफी मुकल्लिद आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका आला तनसुल इतना लंबा हो कि वो वापस घुमा के पलटा के अपनी दुहर के अंदर दाखिल कर ले, कोई नहीं मिलेगा आने वाले 100 साल तक भी। और अगर आपने ऐसा इंसान ढूंढ लिया बना दिया तो मैं हन्फी भाई में बनने के लिए तैयार हूँ। अगर ये मसले मसाले लोगों ने और मसला उतारा तो गलत उतारा कि अगर मान भी लिया जाए कोई ऐसा आदमी सामने आ जाए जी हाँ वाकई उसका इतना लंबा आला तनसुल है कि वो वापस मतलब भाई घुमा के अपनी दुहर में डाल ले तो उस पर क्या फतवा दे रहे हैं? गुस्ल वाजिब नहीं होगा भाई। क्यों नहीं वाजिब होगा? क्यों वाजिब होगा? क्यों नहीं वाजिब होगा? नहीं वाजिब क्यों होता है और क्यों वाजिब नहीं होगा सब जॉब? अरे भाई कोई शख्स अपना आला तनसुल खींच तान करके अपनी दुबूर में भाई वो दाखिल करके शहवत पे काबू पा रहा है, ठीक है, अपनी हवस की आग को ठंडा कर रहा है तो उसके ऊपर तो मतलब वाजिब होगा ना गुस्ल? अल्लाह के नबी ने फरमाया ना बुखारी की हदीस है कि जब मेरे भाई खतना से खतना यानी कि शर्मगाह से शर्मगाह अगर भाई टच हो जाए तो उस पर गुस्ल वाजिब है। क्या ये हदीस भाई हनफी अकाबिरों को नहीं पता थी? उनके पास कुछ दलील नहीं दी उन्होंने भाई? अगर दलील दी होती तो फिर तकलीफ कहाँ रहती? तकलीफ तो समल का नाम है ना कि बिना दलील के मान लेना, जैसे आप लोग बिना दलील के फतवे मान लेते हो। लेकिन ये फिकह हनफी की किताबों में कहा लिखा है कि हर मसले को मानना जरूरी है फिकह हनफी के? तो भाई फिकह हनफी की ताल्लुक से आता है, ठीक है, कि जो ये फिकह हनफी है हिदाया ये कुरान के मानिंद है और हनफियों का दावा ये है कि फिकह का सीखना और सिखाना कुरान के पढ़ने पढ़ाने से ज्यादा अफजल है माजल्ला। सुनिए सुनिए, हिदाया जो किताब आप बता रहे हैं ये किसकी लिखी हुई किताब है?
ये सब तो मेरे भाई साहिब हिदायत जो थे। देखिए इन सब किताबों से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह भाई वो बरी हैं। उन्होंने कोई किताब ना लिखी ना लोगों से कहा कि इस तरीके से कयास कर करके अगर मगर करके मसले भाई तुम लिख के मेरे नाम से मंसूख करो। आपने बता दिया लेकिन हिदायत लिखी किस किताब है? साहिब हिदायत भाई जो उनके राइटर होंगे उन्होंने लिखी है। राइटर का नाम क्या है वो मैं जानना चाहता हूं। नाम देखना पड़ेगा ना, इतना सब कुछ थोड़ी ना याद रहता है। नहीं उसका उनका नाम बताइए। इतनी मोहतबर किताब है हिदायत दुर्र मुख्तार फतावा आलमगीरी कि जिनको पढ़े बिना कोई आलिम नहीं बन सकता। अब बताइए आपने कहा कुरान के मानिंद जो है हिदायत को लिखा गया वो किस किताब में लिखा गया? ये मेरे पे हिदायत में भाई ये उतरा हुआ है जिल्द नंबर एक पे सफा नंबर 14 पे कि जो हिदायत है ये भाई जो कुरान है उसके मानिंद है। यानी कि माशाल्लाह कुरान के मुकाबले में कुरान से समानता उसकी कर दी इस मतलब घटिया किताब की जिसमें उल्टी बातें लिखी हुई हैं। अरे बाबा उसी किताब में और फिका का पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना कुरान के पढ़ने पढ़ाने से अफजल है माशाल्लाह। और हनफियों का दावा कि फिका हनफी का एक मसला भी कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है बल्कि ये कुरान और हदीस का जूस है निचोड़ है। अब बताइए ये ऐसा निचोड़ होता है? नहीं नहीं आपने जो पहले दो दावे किए पहले दावा आपने जो कहा है कि जो है हिदायत कुरान के मानिंद है ये कहना आपको भेज दूँ कौन सी किताब में लिखा है? उसी किताब में लिखा है। हाँ हिदायत में लिखा है ना। अब जाहिर सी बात है हिदायत के ताल्लुक से आ रहा है तो मेरे भाई कोई बाहर उतरा नहीं होगा उसी में लिखा है हिदायत में। सुनिए सुनिए हिदायत जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है ये अरबी का ओरिजिनल अरबी वाली उसमें लिखा है भाई। नहीं नहीं ये अरबी में लिखी हुई किताब है। हाँ ये तमाम किताबें भाई अरबी में है लेकिन जो इनकी भाई जो शरह है वो उर्दू में हुई है। जैसे भाई अहलुल हिदायत हो गई ठीक है और दुर्र मुख्तार का हो गया रद्दुल मुख्तार हो गई तो जो शरह उनकी की गई है वो उर्दू में की गई है। और ये भी हनफी आलिम ने की है किसी अहले आलिम ने कभी नहीं किया कि लो हिदायत का ट्रांसलेशन कर दें। ये किताब जो है अरबी में लिखी गई है ना। ये ओरिजिनल जो बुक है उसकी जो लैंग्वेज है वो भाई अरबी है ठीक। लेकिन जो शरह है इंडिया वालों को समझाने के लिए जो मदरसों में पढ़ाई जाती है उसकी शरह वो उर्दू में की गई है ताकि हनफियों को उनकी हनफी फिका के नायाब मेरे भाई मसले मसाइल बता बता के उसको खुद साख्ता आलिम बना दिया जाए ताकि फतवा देने के लिए आसानी हो। अच्छा ये आपने कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है? नहीं 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 अगर छोटा हो तो मुंह को बांध के उसको बगल में दबा के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो उस पानी से वजू करना जायज है। कुत्ते की खाल को रख के सुखा के जाए नमाज भाई उसको बना के नमाज पढ़ना जायज है। ये तमाम मसले दुर्र मुख्तार में उतरे हुए हैं। नहीं नहीं आपने एक और जुमला कहा कि ये किताब जो है कुरान से इसका पढ़ना जो है कुरान से पढ़ने से अफजल है ये किस किताब में लिखा है? ये भी हिदायत में लिखा हुआ है जिल्द नंबर एक सफा नंबर गालिबन 46 उस पे लिखा हुआ है कि फिका का सीखना सिखाना कुरान के पढ़ने पढ़ाने से अफजल है। उस किताब का पढ़ना कि फिका का? फिका का सीखना सिखाना कुरान के सीखने सिखाने से अफजल है। तो वही तो हम कहते हैं भाई कुत्ते को गोद में लेके नमाज कौन हनफी पढ़ रहा है? एक हनफी हमको कोई मेरे भाई अपना वीडियो भेज दे कि मैंने कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ा और कुत्ते को गोद में लेके रात में नमाज का एक लिए पढ़ेगा? नहीं नमाज तो हो जाएगी ना। अच्छा नमाज हो जाएगी नजीस मतलब जो जानवर है नापाक है नजीस है नजीसुल ऐन है आप उसको अपनी गोद में रख के नमाज पढ़ेंगे? आप उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ेंगे? मतलब कुत्ता अगर बड़ा है तो सर पे रखेंगे तो जैसे मेरे भाई आप जाएंगे रुकू में अल्लाह अकबर कह के कुत्ता तो आपका आ जाएगा जमीन में ना। और सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ने से इस मसले में भी जो हनफी मुकल्लिद है वो नामर्द हो सकता है क्योंकि भाई जो हनफी भाई है वो नमाज में हाथ बांधते हैं नाप के नीचे और कुत्ते को अगर उन्होंने गोद में लेके नमाज पढ़ा तो उसको नाप के नीचे पकड़ेंगे। जैसे मेरे भाई कहीं कुत्ते का मूड घूमा और उसने आला तनुस नोच खाया तो हनफी मुकल्लिद तो नामर्द हो गया। तो ऐसे मसले क्यों बयान करते हैं आप लोग जिससे हनफी मुकल्लिद उनके मर्द होने पे मेरे भाई तोहमत लग जाए? ये मसले जो है ये मसले मसाइल जो है ये तो उसी वक्त के लिखे गए हैं ना। अरे उसी वक्त के लिए लिखे गए तो आज इसके ऊपर मेरे भाई ये क्यों कहा जाता है कि हमारी फिका में
तक कयामत तक के आने वाले तमाम मसले मसाइल का हल हमारे इमाम साहब ने दे दिया है। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो वो भी हनफी मुकल्लिद होंगे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मजहब पे चलेंगे, उनके हिसाब से फतवा देंगे। भाई दुर्रे मुख्तार में भी लिखा हुआ है, हिदाया में भी लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो वो हनफी मजहब पर चलेंगे और उसके हिसाब से फतवा देंगे। तो बताइए जो एक नबी है वो एक गैर नबी की भाई अंधी पैरवी करेगा? नहीं नहीं, आप ये फोटो खींच कर दे सकते हैं ये इबारत का। अरे जितने मेरे जुमले बोले हैं ऑडियो रिकॉर्ड हो गया है, सबके इस पर आपको भेज दूंगा, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि अगर ये सब बात सच होंगी तो आपको हंसियत से तौबा करके अहले सुन्नत अहले हदीस आपको बनना पड़ेगा, किताबों सुन्नत के और वापस आना पड़ेगा। मैं जब तक तहकीक नहीं करता हूँ मैं उसको मानता नहीं हूँ। अरे तो इसने तहकीक अब क्या करेंगे आप? ये जुमला ही अपने आप में एक बद अकीदा है कि एक नबी आएगा वो गैर नबी की भाई नहीं करेगा। नहीं, आपने जो अभी कहा है जुमला ही कहा है कि उसमें किताब में लिखा है, किस किताब में लिखा है? कौन सा जुमला? अभी जो आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इस्लाम आएंगे वो फिका हनफी पर अमल करेंगे। ये मेरे भाई जुमले मुख्तार जो हनफी फिका की मोतबर किताब है और जो आपकी ये भाई वो क्या बोलते हैं हिदाया शरीफ, ठीक है, तो हिदाया में भी इन दोनों में ये बात आई हुई है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो भी हनफी जो तरीका है मजहब है उस पर चलेंगे और हनफी होंगे। अब बताइए फोटो खींच के भेज सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, अभी भेज देंगे मेरे भाई, लेकिन भेजने के बाद मैं इतनी मेहनत करूंगा तो आपकी कुछ जितना होगी कि नहीं? मुझे मुझे बाकी सब तो मत भेजिए, खाली ये खींच के भेज दीजिए। अच्छा मैं इसी के आपको भेज देता हूँ। और बताइए, और एक और चीज में मुझे पूछना था कि झींगे के मुतालिक फिकानजी की किताबों में क्या लिखा है? झींगा खाने के झींगा खाने और केकड़ा खाने के मुतालिक फिकानजी की किताबों में क्या लिखा है? देखिए जो ये पानी के जानवर हैं, ठीक है, इसके ताल्लुक से मेरे भाई झींगा खाना मतलब भाई ये हमने सुना है, एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम, ठीक पढ़ा मैंने नहीं है भाई, इसको झूठ का एक नहीं बोले। झींगा खाने के मतलब भाई वो ताल्लुक से हमने सुना है कि बा कराहत खाना जायज है। अब क्या हकीकत है अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं, नहीं, में अभी मतलब झींगे के ताल्लुक से हमने पढ़ा नहीं है। हिदाया में होंगे ना ये सब मसले, ये झींगा और केकड़े के ताल्लुक से? टीका हंसी में होगा, लेकिन क्या है हलाल है हराम है ये मैं नहीं बता सकता। मुझे हिदाया से दोनों जगह सकते हिदाया या हाँ इंशाल्लाह भाई तहकीक मतलब मुझे जैसे आएगी मेरे पास झींगे की तो मैं आपको भेज दूंगा। नहीं नहीं मुझे उसी किताब से चाहिए, हिदाया से रब्दुल मुख्तार से और हनफी फिका से आपको चाहिए झींगे खाने के ताल्लुक उसी वक्त की, आज के आलिमों की नहीं उसी वक्त की। हाँ भाई उसी वक्त के देखिए आज जो फतवे मेरे पे दिए जा रहे हैं वो नाम है फिका हनफी की रोशनी में, लेकिन वो आज के आलमी फतवा दे रहे हैं, ये चीज आप हमेशा अपने दिमाग में डाल लीजिए। वो मैं जानता हूँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे रोजे की हालत में इंजेक्शन देना है कि नहीं, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दौर में तो था नहीं इंजेक्शन, तो आज के फिका हनफी के उसूल की पैरवी करते हुए तकलीफ करते हुए इस मसले पे फतवा देते हैं। तो वैसे झींगे के ताल्लुक से अगर जो भी फतवा होगा वो आज के आलिमों का होगा ना? नहीं नहीं ये मसला ये नहीं, झींगा तो पहले से चला आ रहा है, समुद्र में पाया जाता है, तो ये मसला जो है किसी न किसी के देखिए फिका हनफी समझने का आपको दो उसूल बता देते हैं। उसके जो कौल होते हैं मतलब भाई वो दो टाइप के होते हैं, एक कौल होता है जिसके ऊपर फतवा होता है और एक कौल होता है जिसके ऊपर फतवा होता नहीं है। तो जिसके ऊपर भाई वो मतलब जो फतवा होता है ठीक है मुफ्तियों का वो अमले हुज्जत होता है, और जिसके मतलब फतवा होता है भाई वो साहिबैन का वो अगर चाहे तो भाई अमल कर सकते हैं, चाहे तो मुफ्ती आज का कहेगा तो अमल करें। सुनो 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 मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप दो चीजों का पता लगाइए, पहले जो है जो तीन किताबें मैंने नाम बताया रद्दुल मुख्तार हिदाया और फतावे आलमगीरी। हाँ हिदाया फतावा आलमगीरी सदर खानिया दुर्रे मुख्तार उसकी तरह रद्दुल मुख्तार फिकुल अकबर। हाँ इन किताबों में से मुझे ये मतलब बताइए तो उसमें के झींगा खाने को क्या लिखा गया है, आराम लिखा गया है, जायज लिखा गया, नाजायज लिखा गया, क्या लिखा गया है? ठीक है इन किताबों में से अगर आपको नहीं मिल रहा तो झींगा खाना है क्या?
किसी देवबंदी मौलवी से पूछिए तो उसके नजदीक जिंदा खाना क्या है, ठीक है, और मुझे बताइए तफसील के साथ ये एक मसला, ठीक है, जिंदा और केकड़ा के तालुक से दोनों के बारे में अलग अलग पूछिए, केकड़ा खाना क्या और जिंदा खाना क्या। यूट्यूब पे हमने देखा था तो यार केकड़ा का बेहतरीन बना के उसके अंदर का जो भूखा होता है उस पर चाइनीज मसाला डाल के खा रहे थे, तो मेरे को भी मैंने सोचा ये पूछेंगे आलिम साहब से केकड़ा खाना जायज है कि नहीं, फिर हमारे दिमाग से उतर गया, खैर चलिए आपने मतलब याद दिला दिया है, एक दिन आदमी केकड़ा देख के ना, लेकिन मतलब बना अच्छा रहा था वो जबरदस्त चाइनीज मसाले डाल के, मुंह में पानी आ गया था, लेकिन मैंने कहा हमारे इधर मेरी बात, आप समुंदर के इधर नहीं रहते हैं, आप यूपी में रहते तो आपको उतना वो नहीं है, जैसे मैं समुंदर के किनारे रहता हूँ तो हम लोग इधर केकड़ा, हाँ केकड़ा और ये सब बकसरत लोग खाते हैं और मुसलमान ही खाते हैं। अच्छा तूफान भाई आपका कुछ असली नाम है? नहीं मुझे तूफानी लोग बुलाते हैं। अच्छा तूफान मतलब वहाँ पे क्या तूफान मतलब ज्यादा आते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, समुद्री तूफान? तो मुझे उसमें जानना था, और क्या इसमें मुझे ना फिकर हंसी का मसला ये किताबों में से ये चाहिए, इसमें क्या लिखा है, अगर फिक्र हंसी की किताबों से आपको नहीं मिल रहा है? अरे हम दोनों आपको बता देंगे कि भाई कुरान हदीस की रोशनी में क्या है, झींगा खाना केकड़ा खाना और फिक्र हंसी इसके ऊपर क्या कहती है, अगर वो मेरे पे कुरान हदीस के साथ कहती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अमल करेंगे, कुरान हदीस से हट के कहती है तो हम अमल नहीं करेंगे। किसी देवबंदी मौलवी को भी फोन लगाइए, समझे, हाँ उसका अभी रिकॉर्ड करिए कि वो क्या बोल रहा है इस मसले पर, ठीक है, ठीक है, उनके मदरसे का फारिग हो उसको फोन लगाइए, तीनों मसले जो है निकाल के रखिए, और वो स्कैन पे खाली मुझे बहुत सारे मसले मसाले आपने बताए अपनी किताबों में, लेकिन मुझे खाली एक चीज भेजिए कि उसमें इस किताब में ये लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर सलाम आएंगे तो वो हनफी जो मजहब है उसके ऊपर अमल करेंगे, तो ये लिखा है भाई, यही सब बातें जब हमने पढ़ी थी ना तो मेरा मूड अपसेट हो गया था कि बताओ नबी की शान में इतनी बड़ी तोहीन कि एक नबी आएगा वो मतलब गैरे नबी की पैरवी करेगा, अरे वो अल्लाह के नबी की उम्मत में से आएंगे ना, ईसा अलैहि सलाम आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, ईसा अलैहि सलाम जो है हनफी बनने आएंगे, नबी है और जाहिर सी बात है नबी जो है इल्म वाला होता है, तो नबी को जो है ये इसलिए लिखा गया है ताकि जो बाकी मसलक वाले हैं उनको नीचा दिखाया जाए, क्यों, क्योंकि हनफी कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो हनफी होंगे, तो बेचारे काफिर का मुंह उतर गया, मलकी का मुंह उतर गया, हमली का मुंह उतर गया कि बताओ इतनी फजीलत हनफी होगी, तो ये कौन सा दावा है कि चारों इमाम मतलब बरहक हैं, तो चारों इमाम बरहक हैं तो उनको ये कहना चाहिए था कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो एक साल हनफी रहेंगे, एक साल साफी रहेंगे, एक साल मलकी रहेंगे, एक साल हम्बली रहेंगे, उन्होंने सिर्फ हनफी बना लिया। मेरा जो अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी रज़ी अल्लाह अन्हु के तालुक से ये है कि ये लोग जो है किसी भी फिका पर अमल नहीं करेंगे, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट और अल्लाह की किताब से डायरेक्ट जो है कुरान हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह अमल करेंगे, बिल्कुल सही बात है, यही हदीस पर भी अमल करना चाहिए डायरेक्ट जो है, क्योंकि नबी के पास इल्म होता है तो नबी ने क्या कहा उसका इल्म तो नबी को होगा ही, जाहिर सी बात है, एक नबी ने क्या कहा दूसरे नबी कोई आम नबी से थोड़ी ना होगा, एक अजीम मेरे भाई पैगंबर हैं ईसा अलैहिस्सलाम, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक नबी ने क्या कहा पे चलेंगे, अरे यार जिसको फरिश्ते दिखाई देते हो जिनसे जिब्राइल मिलने आते हो तो क्या मसले मसाइल पूछने के लिए उसको किताबें लिखनी पड़ेंगी, ये मैं पूछ रहा हूँ, सही बात, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो गया तूफान भाई, आज वाकई आपने तूफान मचा दिया, हाँ तो ये कहाँ सो रहा था आपके अंदर का तूफान, एक नंबर का जो है धोखा दिया गया है लोगों को और लोगों को बेवकूफ बनाने की जो है प्लानिंग की गई है, क्योंकि नबी जो है किसी जो गहरे नबी की किताब पढ़ तो उसको मसले मसले बताएगा माजल्ला है रब्बिल आलमीन, जो है जो नबी है जिसको जिसके बारगाह में फरिश्ते आते हैं, जाहिर सी बात हर नबी के पास फरिश्ते आते हैं, जिसके पास फरिश्ते आते हैं क्या वो मसले मसले किताबों देखकर बताएगा कि वो उसको मालूम होंगे, नबी के पास तो जाहिर सी बात है किताबों में लिखा है कि सबसे ज्यादा इल्म जो है दुनिया में इंसानों में जो अम्बिया के पास होता है, जब अम्बिया के पास इल्म नहीं होगा वो आम इंसान की किताबों में से देखेगा, सही बात है, ताजुब की बात है यार, ये मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला किए हैं इन लोगों ने, दाल में काला नहीं मेरे भाई पूरी दाल ही यहाँ पीली हो चुकी है कुछ तो बड़ा घोटाला है, नहीं तो गहरे नबी की
तकलीद करेगा माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन नबी माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। यही तो हम बता रहे भाई, इसीलिए हम आवाम को ये सब बातें ओपन बताते हैं कि भाई आप भी अपना जहन खोलिए, बाप दादाओं के दीन से बाहर आइए, थोड़ा देखिए हकीकत क्या है। देखिए वो नहीं, जिसके जो है जो कुएं का मेंढक होता है, जब से मेरे भाई कुएं के अंदर रहता है सोचता है यहाँ बहुत पानी है, लेकिन जब वो कुएं के बाहर देखता है कि अरे यहाँ तो पूरा समुंदर पड़ा हुआ है, तब उसके समझ में आता है यार जिंदगी तो हमने अपनी कुएं के अंदर बिता दी। तो हम भी कहते हैं अपने हंसी भाइयों से, जो बंदी बजी भाइयों से, कि कुएं से बाहर निकल के देखो हंसियत के बाहर क्या दुनिया में हो रहा है। ये जो मसला है आपने बताया है, ये किताबों में लिखा है। अरे भाई मैं जो बता रहा हूँ दलील के साथ इंशाल्लाह बताऊंगा, और अभी आपको स्कैन भी भेज रहा हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर कोई अपने दिल से बात कर रहा हूँ ना, तो अल्लाह ताला आपको अजाब में डाल देगा भाई, हम किसी पे तोहमत नहीं बांधते हैं। क्योंकि जो ये आपने जो मसला बताया है, ये मसला जो है ये मानने लायक नहीं है। वो इसलिए मानने लायक नहीं है क्योंकि जो है कोई भी नबी जो है किसी गैर नबी की तकलीद नहीं कर सकता। बात अल्हम्दुलिल्लाह मसले मसाले में, और ना ही कोई हंसी हो सकता है, ना ही कोई मलकी हो सकता है, ना ही कोई छापा हो सकता है, ना ही कोई हमी हो सकता है। नबी जो आएंगे वो उम्मत की भाई उम्मत मोहम्मदिया में से आएंगे, वो होंगे मुस्लिम अहले सुन्नत, वो हनफी मलकी छापा हमली किसी एक इमाम को ना लेके चलेंगे। यहाँ तक के उनको मेरा जो अकीदा है, यहाँ तक के उनको किसी हदीस की किताब को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो तो अल्लाह बेहतर जानता है उस दौर में क्या होगा, क्या जरूरत पड़ेगी। वो इसलिए नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि नबी जो होता है वो इल्म वाला पहले से होता है। जब नबी इल्म वाला होता है तो उसको क्या किसी रिवायत को देखने की जरूरत क्या है, उसको मालूम नहीं होगा। एक मेरी बात हुई थी आफ्ताब सिद्दीकी से, वो देवबंदी था, इसी मसले पे बात मेरी हुई थी, तो वो बोला कि ईसा अलैहि सलाम आएंगे तो जो मसाइले मतलब भाई अलग अलग टाइप के होते हैं ना, मनसूसा गैर मनसूसा, तो ईसा अलैहि सलाम जो मसाइले पेश आएंगे गैर मनसूसा उसमें हनफी हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये तुम कहाँ से लेके आए, ये तुम कहाँ से लेके आए। अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा इन्होंने नबी से बढ़ा दिया माजल्ला है। भाई अभी तो ये छोटी सी टेलर है, पूरी पिक्चर जो है कि जो है कुरान से साबित करते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, अल्लाह के नबी की हदीस से साबित करते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। हदीस से इन्होंने कैच किया, एक हदीस तुम्हारी उम्मत में एक शख्स आएगा जिसका नाम भाई वो नुमान होगा, वो तुम्हारी उम्मत का चिराग होगा, इस तरीके की झूठी मनगढ़ंत बातें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की फजीलत बयान करने की लोगों ने लड़ी। सुनिए वो हदीस मान भी लिया जाए कि चलिए वो इल्म है, वो सुरैया पर भी होगा तो वो जमीन पर उतार ले आएगा, तो ये हदीस मान भी लिया जाए सही है, तो चलो उनको बड़ा आलिम मान लिए तस्लीम कर। लेकिन ये कहाँ से आया कि नबी जो है उनकी तकलीफ करेंगे और नबी से ज्यादा इल्म जो है उनकी किताबों में मौजूद है। सही बात है। हाँ मैं तो ये अकीदा रखता हूँ कि बुखारी मुस्लिम और अबू दाऊद जो हदीस की किताबें हैं इमाम ने लिखी है वो भी जरूरत नहीं होगी इमाम को, इसलिए जरूरत नहीं होगी क्योंकि एक नबी को जो है वो नबी इल्म वाला होता है और नबी को दूसरे नबी की बातें तो मालूम ही होगी ना, जाहिर सी बात है यार। हजरत आएंगे तो वो उम्मत मोहम्मदिया में से आएंगे, वो कोई मतलब भाई वो नई शरीयत को लेके नहीं आएंगे। अरे मेरे भाई साहबा को किताबों की जरूरत पड़ी यार, साहबा को बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद की जरूरत पड़ी, बताओ मुझे। वो बात अलग है, मैं एक बात हमें ये नहीं कहना है कि ईसा अलैहि सलाम आएंगे तो उनको किसी चीज की मतलब भाई को नहीं जरूरत, वो भी आएंगे तो भाई किताब सुन्नत पे अमल करेंगे। अब अल्लाह वाला भाई लेकिन उनको किसी किताब की जरूरत है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे नहीं पड़ेगी। मैं बताता हूँ देखिए, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे ये जो है किसी किसी बुखारी किसी मुस्लिम पर अमल नहीं करते थे, क्योंकि बुखारी मुस्लिम और अबू दाऊद ये सब किताबें जो बाद में लिखी गई हैं, ठीक है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट मसले लेते थे और डायरेक्ट उस पर अमल करते थे, बराबर है, सही बोल रहा हूँ। तो मेरे तूफान प्यारे भाई बात ये है ना कि सहाबा को अल्लाह के नबी की जो सोबत थी वो थी, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो अल्लाह के नबी वही मैं साबित कर रहा हूँ, अरे वही मैं साबित कर रहा हूँ। अरे मेरे नहीं अरे मेरे भाई सुन रहे सही, तुम आगे सुन रहे ही नहीं हो, अब सुनो मैं तुमको वही तो मसला बता रहा हूँ। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल हुई, मुलाकात हुई सहाबा इकराम की हुजूर से, तो उन्होंने जो है उनको किसी की तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी किताब में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, जो हुजूर ने फरमाया वो अमल कर लिए। लेकिन ये हमको सोचना चाहिए क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुलाकात नहीं हुई होगी? जाहिर सी बात है मुलाकात का सबूत मिलता है, क्या वो शबे मेराज की हदीस पाक है? हाँ मेराज की रात में जो हुजूर जो है मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाए,
तो क्या तमाम अंबिया ने जो पीछे जो है मुक्तदी बनकर जो है नमाज पढ़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर ये सब तो भाई आने वाली बातें, गैब की बातें, हम और आपका एक लिए बहस करें, बस इतना जान लीजिए सलाम की तौहीन की है बस एक जुमले में। जी जी एक जुमले में सौ की एक बात ये है कि हनफी फिका वालों ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की फजीलत और हनफियों की फजीलत ज्यादा मतलब भाई बड़ी उसको मतलब साबित करने के लिए एक मतलब जो भाई अजीम पैगंबर था उनका सहारा ले लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो वो भी हनफी होंगे, तो ये बहुत बड़ा झूठ है, दजल है, इसका सबूत किताब सुन्नत से हमको नहीं मिलता है। तो मुझे अल्लाह के नबी ने बता दिया था ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो कैसे आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, सब कुछ सारा बताया, तो ये भी अल्लाह के नबी बता देते हैं एक इमाम होगा जिसका नाम होगा नुमान बिन साबित, लोग उसको अबू हनीफा कहेंगे और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो हनफी होंगे। वो टॉपिक छोड़ दीजिए, मसला यहाँ पर ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे दज्जाल को मारने के लिए आएंगे बराबर, लेकिन हदीस पाक में एक चीज लिखी है कि ईसा अलैहिस्सलाम की खुशबू से दज्जाल पिघलना शुरू होएगा, मालूम है लो, तो जाहिर सी बात है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो है पावर होंगी जो अंबिया के पास होती है, इख्तियारात होंगी, तो क्या जिसके पास पावर हो, हम कयास नहीं कह सकते मेरे प्यारे भाई, वो अल्लाह बेहतर जानता है, उसको अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए, अल्लाह आलम वो क्या कैफियत होगी क्या होगा। तो आप भी ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वो हनफी नहीं होंगे, बस यही मुद्दा आपका भी मानना है, मेरा भी मानना है, नहीं नहीं मैं बाकी लोगों को भी समझाना है कि भैया ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो हनफी नहीं होंगे, वो किसी जमात के होंगे क्या, ये मेरा कहना है, वो अहले सुन्नत में से होंगे। अरे अहले सुन्नत क्या होता है यार, अहले सुन्नत वो भाई किताब सुन्नत वाले होंगे। अरे यार अपर किताबो सुन्नत वाले पे आ गए आप, तो मेरे भाई क्या आप क्या वो मेरे भाई वो बाइबल पे अमल करने आएंगे। अरे जनाब जो खुद नबी है तो नबी जो है उसको जो तो नबी है तो नबी भी होती है, अल्लाह के नबी ने भी तो अमल किया ना कुरान पे, या अल्लाह के नबी कुरान पर अमल किया ना, कुरान पे अल्लाह के नबी ने कुरान पर अमल किया ना, तो वो भी कुरान पर अमल करेंगे। हम आपको स्कैन भेज रहे हैं, बात ज्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।